अगर मैं सेंटा होता तो मैं सबको गिफ्ट में एक्सेप्टेंस देता। तो क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर हमारे लाइफ में आ गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं सभी व्यूअर्स को बहुत 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 क्रिसमस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैरी क्रिसमस। मुझे सेंटा से पेशेंस चाहिए और संतोष चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रहेगी तो आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। और चाइल्डहुड मेमोरीज मेरी जो है वही जो सबकी होती है, जो केक बनते हैं हमारे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनके साथ, तो जो सेलिब्रेशन होता है वही मेमोरीज मेरी भी है। 2022 मुझे हमेशा मेरे इस किरदार के लिए याद रहेगा जो मैं प्ले कर रहा हूँ, अशोक गुप्ता का, दूसरी माँ शो में, और ये हमेशा मेरी मेमोरीज में रहेगा। इस साल और आने वाले साल को अगर मैं एक शब्द में उसका वर्णन करूँ तो वो यही होगा, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप फेथ इन गॉड। 2023 का मेरा जो संकल्प है वो ये रहेगा कि मैं और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहता हूँ और डिसिप्लिन्ड होना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। और नए साल पे मैं सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगलमय हो, शुभ हो, मंगल हो, शुभम भवतु।